पहले रुख कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जेजेपी अब राजनीतिक पार्टी नहीं रही है। ये बड़ी बात कही है दीपेंद्र हुड्डा ने। हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी का भविष्य अंधकार में है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर भी दीपेंद्र हुड्डा ने कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल कर्नाटक तो झांकी है, हरियाणा भी बाकी है। बता दिया ना कि भाई मूल मुद्दों की और ध्यान भटकाने वाली राजनीति नहीं चलेगी। हिमाचल में भी बताया था लोगों ने, हिमाचल में भी बताया था, ऐसा नहीं। हिमाचल में भी एक बड़ी महत्वपूर्ण जीत थी कांग्रेस पार्टी की। ये मुद्दे जो मैंने आपको बताया, हरियाणा विकास की पटरी से उतार दिया है इन्होंने। 9 साल में कोई एक काम हो तो बताओ, कोई बड़ा कुछ विकास की परियोजना हरियाणा में किसी कोने में, कोई थर्मल का कारखाना, कोई यूनिवर्सिटी, कोई रेल की लाइन, कोई मेट्रो, कोई IMT, कोई औद्योगिक क्षेत्र, कोई एक तो बताए। हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 पे पहुंचा दिया, महंगाई ने कमर तोड़ दी हर परिवार की, और सरकार का घमंड ऐसा कि हर वर्ग को का अपमान इन्होंने किया। किसान जब धरने पे बैठे, नहीं तो किसी की मांग ना मानो, लेकिन मान सम्मान तो दे सकते हो आप, मान सम्मान से बात कर सकते हो आप, मगर अपमान किया किसान को, देशद्रोही बताया। कर्मचारी गए अपनी मांग ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, उन पर लाठी बरसाई। ग्राम अब इनकी गठबंधन में जो है क्या भविष्य, कुछ भी कहना, कुछ भी इसमें कहा जा सकता है, क्योंकि जजपा जहाँ तक एक राजनीतिक दल की बात है, उनका तो जनाधार हरियाणा में समाप्त हो चुका है। वो अब एक पार्टी नहीं है, वो एक कुछ व्यक्ति जो है, अलग अलग विधायक, अलग अलग, आज आप देखें नरवाना में गए डिप्टी CM, वहाँ पे नरवाना के विधायक नहीं, नारनौल जाते हैं नारनौल के विधायक नहीं। तो यानी कि ये अब हर इंडिविजुअल, इनके विधायक अपने अपने हिसाब से जो है सरकार का समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये सरकार के लिए गठबंधन ही नहीं, ये संकट में सरकार भी आने वाले दिनों में नजर आएगी, मुझे ऐसा। और इसी पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण अत्रे जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद प्रवीण अत्रे जी। आपने सुना क्या कुछ कहा दीपेंद्र हुड्डा ने, कर्नाटक की जीत से और हिमाचल की जीत से इतने उत्साहित हैं। वो कह रहे हैं कि कर्नाटक और हिमाचल तो झांकी है, हरियाणा अभी बाकी है। दीपेंद्र हुड्डा शायद भूल गए कि 2018 के अंदर भी 5 प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव हुआ था, लेकिन 2019 के अंदर देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट मिली थी। दीपेंद्र हुड्डा जो है एक बात को और दरकिनार कर रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मत कम नहीं हुआ है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी को 36% के करीब मत मिला था, इस चुनाव में भी मात्र 0.4% मत कम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का मत वहीं पे इंटैक्ट है। लेकिन ठीक है, कोई कुछ स्थानीय कारण होते हैं जिसकी वजह से कुछ वोट पोलराइज हुआ, JDS का वोट कम हुआ, जिसकी जिसका लाभ कांग्रेस को हुआ, वो स्थानीय कारण होते हैं। लेकिन शायद दीपेंद्र हुड्डा इस बात को भी समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री 8.5 साल से सरकार चला रहा है और प्रोक इनकम्बेंसी प्रदेश के अंदर है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको दीपेंद्र हुड्डा इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, उनका एक अपना राजनीतिक विश्लेषण है, वो कोई भी विपक्षी दल जो है वो अपने हक में इस तरह की बयानबाजी करता है, लेकिन जो धरातल की सच्चाई है और जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उसको इग्नोर करके राजनीति नहीं चला करती है, दीपेंद्र साहब को समझ लेना चाहिए। नहीं, ये बात ठीक है प्रवीण अत्रे जी जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आप भी एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए नेता हैं और इसीलिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। आपके लिए भी ये बात कही जा सकती है कि प्रो इनकम्बेंसी इस तरह की बातें आप कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार चलते हुए समय हो जाता है और उसके बाद जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि मुख्यमंत्री को खुद जनसंवाद के लिए नीचे जमीन पर उतरना पड़ रहा है, तो इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं प्रवीण अत्रेज। जिसने प्रदेश के जनता के हित में योजनाएं चलाई और वो उसका फीडबैक लेने के लिए स्वयं जनता से सीधा संवाद करे, जनता से इस बात का फीडबैक लेके जो योजनाएं जनता के लिए चलाई गई हैं, क्या उन योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इस जन संवाद से भी विपक्ष को दिक्कत होती है तो आपको समझना पड़ेगा कि विपक्ष इस तरह से बुखलाया हुआ है।
ये एक बुखलाहट है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है जनता से सीधा संवाद करने का, और जनता ने जिस व्यक्ति को अपना मत दे के सत्ता सौंपी, वो व्यक्ति अगर जनता के बीच में जाके ये जानना चाहता है कि मैंने जो आज तक आपकी सेवा की है आपको उसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है इसके ऊपर विपक्ष को ऐतराज नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा निशाना साधते हुए नजर आए बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर, और कर्नाटक की जीत से उत्साहित दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अब हरियाणा में भी ऐसा ही होगा, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन वहीं कांग्रेस से बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। बजरंग दास जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। बजरंग दास जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है जी। बजरंग दास जी, क्या क्या कर्नाटक की जीत का सर हरियाणा में देखने को मिलेगा सर, जिस तरह का दावा कर रहे हैं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा? देखिए, कर्नाटक की जीत की पूरी लहर हरियाणा ही नहीं पूरे देश पर असर करेगी। वैसे हरियाणा पहले से ही बहुत ज्यादा मजबूत है, एक तरफा मैं दावे के साथ कहता हूँ, हरियाणा न्यूज चैनल पूरी दुनिया देखती है, बड़ा प्रसिद्ध चैनल है, और मैं विश्वास के साथ और जनता के भरोसे के साथ दावे के साथ कह रहा हूँ, और हरियाणा के अंदर भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि इस सरकार से प्रदेश का किसान, कर्मचारी, मजदूर, आम जनता बड़ी भारी नाराज की है। और सत्ता जिले के अंदर किस प्रकार पुलिस प्रशासन ने अपने किसान नेताओं पर, किसानों पर, महिलाओं पर लाठीचार्ज किया है, वो एक कतई निंदनीय है। जब जनसभा मुख्यमंत्री रखा हुआ है, जनसभा का मतलब जनता की समस्या सुनना, जब किसान अपनी बात रखने के लिए जनसभा कार्यक्रम में गए तो पुलिस वालों को इशारा किया गया इनको आगे मत आने दो, और उनका लाठीचार्ज की गई, उनकी महिलाओं को पीटा गया और उनको गिरफ्तार करके पुलिस गाड़ी बिठाकर ले गए। इससे बड़ा निंदनीय कार्य बात कोई होगी? आज मुख्यमंत्री कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपने मन की बात करते हैं, मेरी हमारे मन की बात सुनो। अरे तुम जनता की मन की बात तो सुन लो। मुख्यमंत्री जनसभा करने जा रहा है, किसी ने कह दिया भैया नशे का व्यापार चल रहा है, आप नशा करने वाला जो उसको तो पकड़ रहे हो, नशा बेचने वाले हैं, चिट्टा बेचने वाले हैं, अफीम बेचने वाले, उनको क्यों नहीं पकड़ते? बोला ये मुझे पता है किसके सिखाए हुआ है, इसको बाहर निकालो, चुप कराओ इसको, उसको बाहर निकाल देते हैं। एक किसान को कहता है कि 8 घंटे आप बिजली दे रहे हो, आप 12 घंटे करिए। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। वो किसी किसान ने तो मांगी, एक बार अपील करी, 10 बार मुख्यमंत्री जी उसकी बात काट कर उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। मैं नहीं तो समस्या ही नहीं सुनी। चले, क्यों डाउन कर रखा है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपनी बातचीत रखने के लिए। तो कर्नाटक की जीत से काफी उत्साहित है हरियाणा कांग्रेस भी, और हरियाणा में भी इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं हरियाणा कांग्रेस के नेता।